नमस्ते फ्रेंड्स, हम इंसानों का दिनचर्या या डेली रूटीन किस तरीके का होना चाहिए जिससे हमारा हेल्थ एकदम सटीक रहे और विभिन्न रोगों से दूर रहे, ये आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार से टेक्निकली समझाया गया है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, आयुर्वेद में हर चीज बॉडी के कोर एलिमेंट से जोड़ा गया है और इसका पूरा बेस है हमारे शरीर में के वात पित्त और कफ दोषास के ऊपर। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो पहले देखिए और फिर ये वीडियो देखें, ताकि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आए। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना ताकि आपको रियलाइज हो कि आज हम हमारे एंसेस्टर्स के बताए हुए डेली रूटीन से कितने ज्यादा दूर हो चुके हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं एंशियंट इंडियन स्टोरीज और स्क्रिप्चर्स को, उनमें मेंशन किए हुए सिंबल्स को और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं रिचुअल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि रिचुअल्स क्यों करते हैं। तो दोस्तों, हमारे एंसेस्टर्स एक पर्टिकुलर तरीके का डेली रूटीन फॉलो किया करते थे इन एंशियंट टाइम्स, और ये रूटीन वो धार्मिक रिचुअल्स की तरह शिद्दत से फॉलो करते थे हर रोज अपने लाइफ में। अब आप कहोगे कि हर सिविलाइजेशन या कल्चर में एक डिसिप्लिन के लिए रूटीन होता ही है, इसमें क्या नई बात है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हमारे सारे एंसेस्टर्स ने मिलके इसी एक रूटीन पर अग्री किया और आयुर्वेद में स्पेसिफिकली मेंशन किया। इसका रीजन है हमारा ह्यूमन बॉडी और इसका नेचर। जैसा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमारा ह्यूमन बॉडी पंच महाभूत के प्रॉपर्टी से गवर्न रहता है, और इन्हीं पांच कोर एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से ये पूरी धरती और इस पर के सारे जीव जंतु भी गवर्न होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। सो बीइंग अर्थ एज अ होल, जैसे सूर्य और चंद्र से अफेक्ट होता है एज पर मॉडर्न साइंस, वैसे ही हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द अर्थ एंड द प्लैनेटरी सिस्टम, हमारा शरीर और कंप्लीट फिजियोलॉजी सूर्य और चंद्र से प्रभावित होता है। और जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी में के जो तीन दोषास है, जो अलग अलग प्रोपोर्शंस में है, वात पित्त और कफ, ये भी इससे प्रभावित होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग टाइम में, खासकर कि दिन में सूरज की रोशनी पर अलग प्रभाव होता है और रात में अलग। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से देखते हैं कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए हम सबका एज पर आयुर्वेदा। शुरुआत करते हैं सुबह उठने के रिचुअल से। तो आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठने का सबसे सही टाइम होता है लास्ट फेज ऑफ डार्कनेस में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, मतलब तकरीबन 4 बजे से 5:30 के बीच। अब आप लोगों में से कईयों को ये टाइम फ्रेम पहले से ही पता होगा, पर क्या आप जानते हो कि क्यों इस टाइम फ्रेम में उठना सही है? क्योंकि इस टाइम फ्रेम में हमारे ह्यूमन बॉडी में का कफ कॉम्पोनेंट रिड्यूस हो जाता है और वात कॉम्पोनेंट एक्टिवेट हो जाता है, मतलब माइंड और बॉडी रेडी हो जाता है एक्टिव होने के लिए और मूवमेंट करने के लिए, जो वात की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए इस समय नींद से उठ जाना चाहिए। आयुर्वेद में इस टाइम फ्रेम को मेडिटेशन और योग अभ्यास के लिए सबसे उत्तीर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को नॉलेज ग्रहण करने का टाइम फ्रेम भी कहा जाता है। अगर आप ये टाइम फ्रेम में सो रहे होते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि इस टाइम फ्रेम में आने वाले सपने सबसे ज्यादा याद रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपके बॉडी का वात कॉम्पोनेंट एक्टिव रहता है। इस टाइम में उठकर सबसे पहले हमने अपने बॉल्स क्लियर कर लेने चाहिए, मतलब अपना पेट साफ कर लेना चाहिए, और फिर अपने फेस और आंखों को पानी से क्लीन करना चाहिए, और फिर अपना मुंह अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और उसके बाद व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना चाहिए। अब दोस्तों, एक्सरसाइज या योगा कितने देर के लिए करना चाहिए और कितने इंटेंसिटी से करना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब सिंपली डिपेंड करता है हमारे बॉडी टाइप के ऊपर। एक इंसान का बॉडी अगर कफ टाइप का है तो उसे ज्यादा देर तक हैवी वर्कआउट करना चाहिए। अगर इंसान का बॉडी टाइप पित्त टाइप का है तो उसे मीडियम इंटेंसिटी के साथ मॉडरेट टाइम तक करना चाहिए, और अगर वात टाइप का है तो लो इंटेंसिटी में कम टाइम के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। व्यायाम के बारे में आयुर्वेद हमें बताता है कि मिनिमम हम उस समय तक व्यायाम को ना रोके जब तक हमारे अंडर आर्म्स यानी बगल में पसीना आना शुरू ना हो जाए, क्योंकि ये पॉइंट दर्शाता है कि बॉडी में सफिशियंट मात्रा में हीट जनरेट हो चुकी है एंड बॉडी के सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स अभी फुल्ली एक्टिव है। एक्सरसाइज या योगा करने के तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें नहाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि नहाते वक्त ठंडा पानी लेना चाहिए या गर्म?
तो दोस्तों प्रेफरेंसेस भी इंसानों के बॉडी टाइप के ऊपर होती है। एक कफ टाइप इंसान को गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, एक पित्त टाइप को ल्यूक वार्म या ठंडे पानी में अच्छा लगता है और एक वाटर टाइप शरीर को हॉट या एक्स्ट्रा हॉट पानी में नहाना पसंद होता है। वैसे तो बाहर के वेदर पर भी हम लोगों का पानी का प्रेफरेंस डिपेंड करता है, पर आयुर्वेद हमारे सारे ऑर्गन्स के स्वास्थ्य के लिए ये रेकमेंड करता है कि हम हमेशा अपने सर को ठंडे पानी से धोए या कम से कम रूम टेम्परेचर पानी से धोए, क्योंकि गर्म पानी हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और सिर पर ज्यादा गर्म पानी पड़ने पर हमारे आँखों और हार्ट पर भी इससे खराब इफेक्ट पड़ता है। और हम बाकी बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये हम वार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं, पर ज्यादा हॉट वाटर से नहाना आयुर्वेद में रेकमेंडेड नहीं मिलता है। नहाने के बाद ध्यान यानी मेडिटेट करने को कहा गया है। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है और मेडिटेशन से हमारा इंटेलेक्ट भी स्ट्रांग होता है। इस ध्यान को हम रिचुअल्स के जरिए भी कर सकते हैं, जैसे पूजा करना या प्रार्थना करना। मूर्ति पूजा यानी आइडल वर्शिप जैसे रिचुअल्स का मेडिटेशन के साथ कितना साइंटिफिक रिलेशन है, इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कोई इंसान अपने सामने किसी दिया या कैंडल को रख के भी उसके जोत को फोकल पॉइंट बना के मेडिटेट कर सकता है। ये मेंटल एक्सरसाइज हेल्प करता है हमारे बाकी पूरे दिन में आने वाले एक्टिविटीज पर फोकस करना, मन से बेचैनी हटाना और मेंटली स्ट्रांग और तैयार होने में। अब आप पूछोगे कि मेडिटेट खाली पेट ही क्यों करें, ब्रेकफास्ट करने के बाद क्यों नहीं करें? तो ये इसीलिए है क्योंकि खाना खाते ही डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और डाइजेशन के प्रोसेस में ब्लड सप्लाई बिजी हो जाता है, जो फिर मेडिटेशन के प्रोसेस में ब्रेन के लिए कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पाता। इसीलिए मेडिटेशन हमेशा खाली पेट करनी चाहिए। इसके बाद करना है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट सूर्योदय होने के बाद ही करना चाहिए। इसका कारण है कि जैसे जैसे सूरज आसमान में उभरता जाता है, वैसे वैसे हमारे बॉडी का अग्नि एलिमेंट एक्टिवेट होने लगता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप सनराइज से पहले उठते हो तो आपको भूख नहीं लगती है। कोई भी हेल्दी इंसान को अक्सर सनराइज के एक या दो घंटे बाद ही भूख लगती है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुरू हो जाती है एंड बाकी के ऑर्गन्स के फंक्शंस खाने को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अनलाइक वेस्टर्न कल्चर, आयुर्वेद हमें ब्रेकफास्ट में लाइट फूड खाने की सलाह देता है, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके ऐसा हल्का खाना खाना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम रात भर से रेस्ट मोड पे रहा होता है और ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर हो सकता है। ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं और 12:30 से 1 बजे तक काम कंटिन्यू कर सकते हैं। एज पर आयुर्वेदा 1 बजे सही समय होता है लंच करने के लिए, क्योंकि सूर्य इस समय सबसे ज्यादा तेज और इंटेंस होता है और दिन का ये मील हमारा बॉडी सबसे अच्छे तरीके से ग्रहण करता है और बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। इसीलिए ये मील हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए पूरे दिन के हिसाब से। तो अब बात करते हैं दोपहर को सोने के बारे में। तो इंडिया में काफी जगह है जहां आफ्टरनून में सारे शॉप्स वगैरह बंद हो जाते हैं और लोग सोते हैं घर जाके, पर आयुर्वेद में दोपहर को सोने को कोई खास प्रोत्साहन नहीं दिया गया मिलता है। उसमें कहा गया है कि सिर्फ गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर हद से ज्यादा हो तभी इंसान को एनर्जी कंजर्व करने के लक्ष्य से थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना चाहिए। फिर भी अगर इन जनरल आपको रोज सोना ही है तो कफ टाइप के इंसान ने आफ्टरनून में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना चाहिए। पित्त टाइप के इंसान अराउंड 20 मिनट्स रेस्ट ले सकते हैं और वाता टाइप के लोग थोड़ी देर ज्यादा सो सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी रात में कम सोते हैं। आगे फिर नॉर्मल वर्क लाइफ शाम तक कंटिन्यू किया जा सकता है। आयुर्वेद में इवनिंग रिक्रिएशन एक्टिविटी पर बहुत जोर दिया गया है और ये रेकमेंडेड है कि हर इंसान ने अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा हॉबी डेवलप करना चाहिए एज एन इवनिंग रिक्रिएशन, जो कि अपने डेली जॉब या काम से अलग हो। चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या फैमिली के साथ की गई कोई एक्टिविटी हो। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि ये एक्टिविटी अपने सगी संबंधियों और फैमिली से मिलकर करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन इंटरैक्शन के सेंस की जरूरत होती है, जो कि फैमिली या कम्युनिटी के साथ रहने से ही पूरी होती है।
अब आते हैं डिनर पर। तो दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद बॉडी के डाइजेस्टिव कैपेसिटीज काफी स्लो हो जाते हैं और इसीलिए ये रेकमेंडेड मिलता है कि हमने हमारा डिनर सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद ही कर लेना चाहिए, तकरीबन 8 से 8:30 के अंदर अंदर, क्योंकि सनसेट के बहुत देर बाद अगर हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और ये भी कहा गया है कि हमारे खाना खाने के समय में और हमारे सोने के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर हो रहे म्यूकस सिक्रीशंस कंट्रोल रहते हैं। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना ये मोटापे का कारण हो सकता है और ऐसा करने से बॉडी में हैवीनेस फील होता है और माइंड का थॉट प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है और भी कई तरीके के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इसके वजह से। अब आपको लगा होगा कि यहाँ हमारा डेली रूटीन खत्म हो जाता है, पर नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिनचर्या खत्म होता है और इसके आगे होता है रात्रिचर्या, जिसमें हम इंसान सोते हैं। अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही गिने चुने प्रजातियां रहती है जानवरों में जो रात को जगते हैं, खास करके हंटिंग के लिए, जैसे आउल हो गया। पर बाकी बहुतांश स्पीशीज रात को सोते हैं या रेस्ट लेते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी उसी मेजॉरिटी कैटेगरी में ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है, रात को ज्यादा देर तक जगे रहना हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं होती है। आयुर्वेद में तो सोने के लिए बेड के साइज एंड शेप को भी डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि बेड की हाइट इंसानों के घुटनों के हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए इत्यादि। अब प्रश्न आता है कि हमने कितने देर तक सोना चाहिए। सो एक कफर टाइप के इंसान के लिए जिसका बॉडी मास जल्दी गेन होता है, उन्होंने कम सोना चाहिए ताकि बॉडी ज्यादा देर तक एक्टिव मोड पे रहे। जिन लोगों का पित्त टाइप का बॉडी है, उन्होंने मॉडरेट अमाउंट ऑफ नींद लेनी चाहिए, अराउंड 7 to 8 hours, और जिनका बॉडी टाइप वात कैटेगरी का होता है, उन्होंने 8 घंटों से ज्यादा सोना चाहिए, क्योंकि उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब्ड होता है। एक्चुअल लाइफ में ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि एज पर बॉडी डिजायर्स ये स्लीपिंग स्टाइल उल्टा होता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक जनरल रूटीन 24 hour साइकिल का एज पर आयुर्वेदा। अब मैं जानता हूँ कि हमारा जमाना काफी बदल गया है और हम में से अधिकांश लोगों को ये रूटीन फॉलो करना काफी कठिन है, पर इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि आप और मैं ये रियलाइज करें कि एंशियंट इंडिया में ये डेली रूटीन फॉलो किया जाता था। उस वक्त भी लोग शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाते थे, जैसे स्टूडेंट्स आज स्कूल और कॉलेज जाते हैं। उस वक्त भी घर से बाहर निकलकर लोग परिश्रम करते थे, जैसे हम और आप ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए। व्यवसाय भी करते थे उस वक्त लोग, जैसे आज हम लोग बिजनेस करते हैं। पर असली बात तो ये है कि उस समय के लोग अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जागरूक थे और हेल्थ को कॉन्शियसनेस में रखकर और ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म्स को समझकर इस आयुर्वेदिक डेली रूटीन को शिद्दत से फॉलो करते थे। आज दोस्तों, वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमारे देश से उत्पित आयुर्वेद के एंशियंट विजडम को फॉलो कर रहा है और प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और यह हम ही लोग हैं कि हम में से अधिकांश इंडियंस आज भी इस नॉलेज और विजडम से वंचित है और अपने ही देश के साइंटिफिक नॉलेज से दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि इस नए साल में आप अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए कोई संकल्प उठाओ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए इसी वक्त की आयुर्वेदिक डेली रूटीन के हिसाब से आप क्या क्या चीजें इमीडिएटली आपके करंट रूटीन में फॉलो करना चाहोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये नॉलेज लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फाइनली दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।